आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ वेज मैगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सभी को ये पसंद आती है। इसको बनाने के लिए मैंने ये पैन रखा है, इसमें मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है और इसको मैं डालूंगी इसमें लंबे लंबे काटे हुए मैंने प्याज। इसको हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना। और इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च और थोड़े से मैंने ये मटर जो हैं ये मैंने उबाल लिए, इनको मैंने माइक्रो में 2-3 मिनट के लिए उबाल लिए थे और एक ही मैगी में बना रही हूँ। इसी के साथ ही मैं ये डाल देती हूँ शिमला मिर्च, ये मैंने आधी से ही कम शिमला मिर्च ली है। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। इसको हम खड़ा खड़ा ही रखेंगे, शिमला मिर्च ज्यादा इसमें गली हुई अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए अब शिमला मिर्च भी थोड़ी गल गई है हमारी और प्याज भी हमारे ब्राउन हो गए। इसमें मैं मटर डालूंगी, मटर हमारे उबले हुए हैं, गले हुए हैं, इसलिए ज्यादा हमें इसके पकने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी, गैस को तेज कर दूंगी और ये एक ही मैगी है, मैं एक मैगी बनाऊंगी। हम अच्छे से हाथ से क्रश कर लूंगी। आप चाहें तो आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, बारीक गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। और साथ में ये है मैगी मसाला, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें मैंने सब्जियों को थोड़ा डाला है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें इतना ही मैं इसमें हल्का सा नमक डालती हूँ। ये है अजीनोमोटो, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये भी आप बिल्कुल थोड़ा सा इतना ही आप डालेंगे, ज़्यादा ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से मैगी जो है हमारी गल जाए। ये देखिए ये मैंने इसको 5 मिनट रखा था, ये हमारी वेजिटेबल मैगी बनकर तैयार हो गई है और कितनी देख लो बढ़िया लग रही है। आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इसको गैस पे मैं बंद कर रही हूँ और इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ये बढ़िया मैगी बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बनाकर हमें